हाँ, तो क्या चल रहा है गाइस। एक भाई का कमेंट आया था कि यार भैया आपके सेटअप का वीडियो बनाओ, मतलब सेटअप टूर करवाओ हमको। और दूसरा कमेंट आया था कि आपको एक वीडियो अपलोड करने में कितना डाटा खर्च होता है। तो मैंने रिप्लाई किया था, भाई मुझे एक वीडियो अपलोड करने में 3 GB डाटा खर्च होता है। मैं दिन में 5 वीडियो अपलोड करता हूँ, 15 GB डाटा मेरे पास कहाँ से आता है। दूसरी चीज़ ये होगी, सोचा दोनों ही चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ तो वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब इसमें मैं ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ मेरा कैमरा कहाँ रखा होता है और मेरे पास माइक कैसे लग के आया हुआ था, क्योंकि थर्ड पर्सन मेरे पास कोई है नहीं। ये किसी और पर्टिकुलर वीडियो में अपन करेंगे, मतलब जब मे बी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे 1K, तब करेंगे इस चीज़ को। अभी आज मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे मैं सुबह उठ के यहाँ पे आता हूँ, क्या मैं करता हूँ, किस तरीके से। छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा और स्पेशल जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे भाई, आप सबके लिए बना रहा हूँ मैं। तो आई होप सो की चीज़ें आपको पसंद आएगी और आप कुछ सीखोगे कि मैं किस किस तरीके से सुबह आके यहाँ पे चीज़ें करता हूँ, तो आप भी कुछ कर सकते हो। मतलब तो सबसे पहले देखो मैं सुबह कैसे आता हूँ, कितना जल्दी आता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ सुबह सुबह शूट करने से पहले। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं मेरे भाई, मतलब ये देख दिखाता हूँ, ये देखो टाइम देखो, 5:19 हो रहे हैं 13 अप्रैल। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, आपको जानने का मौका मिलेगा कि मैं कैसे कैसे रात को आके वीडियो शूट करता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, अभी माइक पकड़ के बोल रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा होगा ना यार आपको। लास्ट है भाई, कैमरे का फुल ब्राइटनेस है ये, इससे ज़्यादा कैमरे का ब्राइटनेस हो नहीं सकता। एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। अभी 5:50 पे लगभग कुछ ऐसा सीन हो चुका है, अभी इसके बाद मैं अपन शूट कर पाएंगे यहाँ पे। ऐसा खुला खुला सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 15 मिनट बाद में अपना शूट ऑन हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी ना किसी वीडियो में। सोचे कि चलो यार, फिर जब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड ही किया जा रहा है, आपको पूरा एक्सपीरियंस ही दिया जा रहा है, तो थोड़ा और बाद का व्यू दे दिया जाए। अभी देखो, अभी तक भी मैं शूट नहीं करता हूँ, इसके भी लगभग मैं 10 मिनट बाद शूट करूँगा। अभी तक भी उतना ब्राइटनेस हुआ नहीं है, हाई ब्राइट पे करके मैंने कैमरे को किया हुआ है। तो शूट करेंगे जल्दी, ऐसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा सुबह सुबह शूट करने का। ये थोड़ा व्लॉग टाइप का हो गया है यार। एक चीज़ मैं आपको काफ़ी बोलता रहता हूँ कि सामने से लोग देख रहे हैं, सामने से कोई देख रहा है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ सामने क्या है, किस तरीके की, जिससे मुझे कभी कभी अनकंफर्टेबल सा होता है ना कि यार ये लड़का क्या कर रहा है मतलब कैमरा लेके। तो मैं दिखा देता हूँ, अभी आज फ्री सा हूँ, कैमरामैन कोई है नहीं मेरे साथ वैसे भी। तो ये देखो सामने रहता है कुछ ऐसा नज़ारा मेरे यहाँ का आसपास का। तो लोग खड़े रहते हैं एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके अलावा देखूँ तो यहाँ पे। और मैं आपको जयपुर भी दिखा देता हूँ इस बात पे थोड़ा सा यार, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ कुछ पड़ा हुआ सामान यार ऐसे ही ऐसे है। देखो ये है NWR का ऑफिस, अगर आप देख पा रहे होंगे कुछ। देखो भाई ये अंकल जी रेगुलर है, मतलब इनका तो रूल ही है मेरे भाई, ये तो आते ही आते हैं ऊपर, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, ये तो देखते ही देखते हैं। मतलब ये देख लीजिए इधर आना आना स्टार्ट हो गए सब। तो इतना कुछ मेरे भाई आपने देख लिया, अभी ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में मैं शूट कर लेता हूँ जिस तरीके से अभी मैं शूट कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं इस कैमरे वैमरे को पैक करूँगा बड़ी इज्जत के साथ में, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, इसकी रेस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माइक को मैं पैक करूँगा अच्छे से, फिर नीचे चला जाऊँगा, फिर जाके मैं इस फ़ोन में एक्सपोर्ट करूँगा चीज़ों को। एक्सपोर्ट मतलब इन द सेंस कैमरे में से इन सारे वीडियोज़ को इस फ़ोन के अंदर लूँगा। फिर इसमें एक काइनमास्टर नाम का एप्लीकेशन है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। पावर डायरेक्टर और काइनमास्टर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे काइनमास्टर पे ज़्यादा पकड़ है तो मैं उसको यूज करता हूँ। तो मैं उसमें एडिट कर लेता हूँ वीडियोज़ को, और उसके बाद में मैं आपको इधर की एक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि उसके बाद मैं किस तरीके से चीज़ों को अपलोड करता हूँ। तो इधर देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए सबसे पहले वीडियोज रहते हैं मेरे यहाँ पर, इन पर मैं चला जाता हूँ। ये कैनन का वीडियो है, ये देखिए ये 2.71 GB का वीडियो है मेरे भाई। मैं बताऊंगा आपको, मैं YouTube पे जा रहा हूं अभी, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है इसको, 2.71 GB का वीडियो है और रिशु भाई वाले चैनल पे आ गया। और यहां पे ये वीडियो जैसे कि मैंने कल शाम को अपलोड करी थी, नहीं कल सुबह दोपहर में अपलोड करी थी, उसका रिकॉर्ड किया है मैंने। तो हाउ टू रैंक योर वीडियो ऑन टॉप, ये वीडियो अपलोड करी थी, इस तरीके से मैंने इसका टाइटल वगैरह कुछ डाला। इसको मैंने प्राइवेट किया, मैं प्राइवेट करता हूँ, बाद में लोकेशन मैंने जयपुर डाली सर्च करके, और उसके बाद में इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब अपलोड होने के बाद में ये चीज़ चली, फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ YouTube स्टूडियो के अंदर। YouTube स्टूडियो के अंदर जाके मैं इन सब चीज़ों को शेड्यूल करूँगा, जो कि आपको इधर आगे दिखाई देगी। ये देखो अभी 770 सब्सक्राइबर थे, अभी पता नहीं कितने हो चुके हैं, शायद आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। रिफ़्रेश करता हूँ तो वो वीडियो यहाँ पे शो कर जाता है। इसके बाद में इस वीडियो पे मैं टैप करूँगा, इसके बाद में ऊपर प्रिपेयरिंग चल रहा है, मतलब अभी अपलोड नहीं हो रहा है।
और ऊपर जो पेंसिल वाला आइकन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँ, नहीं कर रहा हूँ क्लिक, मतलब ऊपर ये प्रिपेयर हो रहा है इस तरीके से। और जब मतलब इसमें मैं ये बता दूँ यार आपको कि पहले जब मेरे पास डाटा हुआ करता था, मतलब मोबाइल वाला, तो मैं चीज़ों में करता क्या था कि मैं 300 MB में रेंडर करता था फाइल को। इसमें ऑप्शन रहता है बिटरेट वाला, जो ऑप्शन रहता है उसको आप जितना कम रखोगे, 5-10 के आसपास रखोगे, तो फाइल साइज लगभग आपका इतना ही आ जाता है। लेकिन अब मैं हाई बिटरेट में करता हूँ तो एक ही फाइल लगभग 3-3 GB का रेंडर होता है। उसके बाद में देखिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड वीडियो इधर प्ले हो रहा है आपके सामने, ये देखिए ये अपलोड होने लगा है, ये देखिए ये प्रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है एक बार, और ये देखिए ये अपलोड होना स्टार्ट हुआ है। तो आप ऊपर स्पीड देख सकते हैं, नीचे देखो ये भी देख सकते हैं, 3 GB का वीडियो 10 MB/s की स्पीड आ रही है। तो बिकॉज़ मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है, इन द सेंस वो केबल आता है ना, वो वाला चीज़ लगवाया हुआ, तो मुझे उसमें डाटा मिलता है भाई भरमार। ये जो लॉकडाउन था, क्वारंटाइन नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से नहीं बोला जाएगा, लॉकडाउन से पहले मैंने लगवाया था, मुझे पता था इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ भाई ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि 269 GB, 275 GB ऐसा कुछ करके 10-12 MB का स्पीड आ रहा है। तो अभी ऊपर देखोगे आप टाइम तो 10:44 हो रहा है, 10:44 पर लगभग मैंने इसको अपलोडिंग पे लगाया है। अभी आपको पता लग जाएगा एक 3 GB की फाइल को कितना टाइम लगा अपलोड होने में। तो चलो फिर ये वीडियो भी ख़त्म हो ही गया है, अब लास्ट में देख लेते हैं कि कितना टाइम लगा। ये देखिए ऊपर अगर यहाँ पे जाऊँगा मैं तो इसको आइकन पे क्लिक करूँगा, शेड्यूल कर दूँगा इस वीडियो को, जिससे कि फिर ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी 12 बजे जैसे भी रहेगी। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 3 GB वाला वीडियो, देखो ऊपर देखो आप टाइम 10:48 हुए हैं अभी ओनली, मतलब 3 GB वाला वीडियो लगभग 5 मिनट मैक्स, और ये अभी उतना अच्छा स्पीड नहीं आ रहा था इसको, शायद मैंने 10-11 बजे किया था। सुबह के टाइम पर अगर मैं करता हूँ तो और भी स्पीड ज़्यादा आता है, तो मज़ा सा आ जाता है, मतलब टोटली कुल मिला के इस तरीके से। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप टूर मान लो, आप कुछ भी मान लो यार, इस तरीके से मेरा प्रोग्रेस रहता है वीडियो बनाने का। और बीच बीच में जब मैं कैमरे की तरफ रेगुलर देखता हूँ और सनलाइट रहती है तो मेरे से देखा नहीं जाता, बिकॉज गेम खेलता रहता हूँ सारे दिन। और इस चीज़ पे भी बनाऊंगा आगे मैं, मतलब एक भाई का भी कमेंट आया हुआ है ऑलरेडी कि लॉकडाउन में क्या क्या करें, उसके अंदर आएगा ये सब चीज़ें कि मैं और क्या करता हूँ। तो मुझे ये सब भी फील होता है इसके बाद में, बिकॉज मेरे से देखा नहीं जाता मतलब कैमरे की साइड ज़्यादा, तो इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि एडिट ना करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और फ्लो में कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ कि हेलो गाइस, फिर देखो मैं पहले और फिर स्टार्टिंग में आऊँगा, तो मैं इस तरीके से चीज़ें भी करके देखता हूँ कि हाँ यार कैसा लग रहा हूँ मैं, फिर बोलता हूँ, फिर ऐसे सही करता हूँ मूड और फिर हल्की सी स्माइल लाता हूँ चेहरे पे, हा क्या चल रहा है गाइस। तो किस इस तरीके से पहले का जो पार्ट होता है उसको मैं एडिट कर देता हूँ, बीच में कोई आ जाता है या फिर कुछ काम आ गया तो इधर उधर देखने लग जाता हूँ। अब और तो इसके अलावा क्या ही बताऊँ यार, तो यही सब चीज़ें करता हूँ मेरे भाई, इस तरीके से वीडियो अपलोड होती है। तो सारा कुछ दिल से खोल के बता दिया मैंने, होप आपको पसंद आया होगा, जैसा हो कर लेना यार, मिलेंगे अगले वीडियो में भाई।